हेलो फ्रेंड, दिस इज स्वाति। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ओके फ्रेंड, तो जैसा आप जानते हैं कि मैं आपको टाइम को, आपके टाइम को और अपने टाइम को बहुत बहुत बचाने के लिए अच्छे अच्छे नए नए ट्रिक्स लाती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ अच्छे से वीडियो देखिए और समझिए हाउ टू यूज़ टेक्स्ट टू कॉलम। सपोज दैट ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप इसको चाहते हो सेपरेट रखना, क्लियर। आप नेम एंड सरनेम को अलग करना चाहते हो, और डेटा कुछ भी हो सकता है, आप अपना भी डेटा कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्लियर फ्रेंड। तो अभी हमने इसको सबसे पहले सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम। ओके, डेटा में जाएंगे, ये हमारा एक्सेल है और हम यहाँ डेटा में जाएंगे और ये रहा टेक्स्ट टू कॉलम। तो कैसे यूज़ करते हैं इसको, फर्स्ट क्लिक किया, सिलेक्ट किया एंड गो टू टेक्स्ट टू कॉलम डिलिमिटेड, क्लियर। कैरेक्टर सच एज कॉमास और टैग्स सेपरेट ईच फील्ड। तो अभी हम इसको चलिए अलग करते हैं, क्लिक कर नेक्स्ट, कैसे क्लिक करना है, स्पेस देना है, ओके नेक्स्ट, ओके फिनिश। तो अभी आपने देखा क्या किया हमने, नेम सरनेम अलग कर दिया। ऐसा आपका डेटा बहुत ज़्यादा हो, 100, 1000, मोर देन कुछ भी डेटा, आप उसे चुटकियों में अलग कर सकते हैं। ओके ओके नेक्स्ट, कंट्रोल जेड, मैं वापस से कंट्रोल जेड करती हूँ और भी मैथड से लाइक दिस, डिलिमिटेड, नेक्स्ट, सेमी कॉलन, सपोज दैट स्पेस हटाया, सेमी कॉलन एंड यहाँ पे हमने सेमी कॉलन यूज़ किया, और सॉरी क्लिक, ओके नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ, ये इस पर नहीं हुआ बिकॉज यहाँ सेमी कॉलन नहीं है, क्लियर। जब सेमी कॉलन होगा तो वो उस टाइप से उसको सेपरेट करेगा। हम वापस जाते हैं, हमने क्लिक किया डिलिमिटेड, नेक्स्ट, इसको हटाया हमने, स्पेस क्लिक किया क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, अदर करते हैं या अदर हुआ, कॉमा हुआ, क्लिक नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड ये हुआ। अच्छा, A3 है यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये A3 ले रहा है, A3 पे आ रहा है। अच्छा, सपोज दैट हम यहाँ से उसको हटाते हैं, C3 देकर देखते हैं, क्लियर। हम यहाँ पे देते हैं अब हम सेल ही सिलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस, हमें यहाँ चाहिए, ओके तो फिनिश। ठीक, क्या हुआ, आपने देखा हमें दोनों ही नेम सेपरेट सेपरेट मिल चुके हैं। तो जैसा कि अगर आपको अपने ही किसी डेटा को अपने अकॉर्डिंग किसी प्लेस पे लाना है तो वहाँ से सेल्फ डेटा आप रिमूव करके अपने डेटा पे आप सेल पे सिलेक्ट करोगे और देन फिनिश करोगे, क्लियर। तो ये था डिलिमिटेड का टेक्स्ट टू कॉलम फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इसी बीच मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं इसके बाद भी और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड जो आपका बहुत टाइम लेता है ऐसे ऐसे इजी वीडियोस लाना चाहूँगी जो आप तक तुरंत पहुँचे। तो इसके लिए चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड शेयर करना भी ना भूलें। ओके, सिलेक्ट टेक्स्ट टू कॉलम एंड फिक्स विथ, तो ये हमने फिक्स विथ की, नेक्स्ट। अच्छा, अभी इसमें क्या है, आप देखिए, आप देख सकते हो आपको किसको सेपरेट करना है, यहाँ से करना है, कितना सेपरेट करना है, ये ब्रेक कर रहा है, ये लाइन को ब्रेक कर रहा है जितना आपको डिज़ायर्ड है, जितना आपको चाहिए। ओके, अगर आपको कोई लाइन हटानी है तो इस पर आप डबल क्लिक करोगे, देखिए हट भी जाएगी, क्लियर। अच्छा, आपको मूव करानी यहाँ पे चाहिए या फिर आपको जिस साइड भी चाहिए, क्लियर, नेक्स्ट क्लिक किया, ओके फिनिश। तो अभी देखिए क्या हुआ, हमने जहाँ जहाँ जैसे क्लिक किया था वैसे वो डेटा सेपरेट हो चुका है, क्लियर फ्रेंड्स। अच्छा, कंट्रोल जेड करते हैं, हम फिर से चलते हैं, क्लिक किया एंड फिक्स विथ, नेक्स्ट, ओके। अभी आपको सिर्फ डेटा यहाँ नहीं, इस नंबर के बीच में चाहिए, देखिए हमने कर दिया है, ब्रेक कर दिया लाइन को, क्लिक एंड फिनिश। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, नंबर्स और आपके सारे डेटा क्या हो रहे हैं, एक वे में आ रहे हैं। तो आपने देखा नेम एंड आपके जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे और आपके नंबर थे वो सेपरेट कर दिया उसने, क्लियर फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हमें इस डेटा को अच्छे से एक साथ करना होता है, तो इसका यूज़ बोलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।